हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड डायरीज बाय निशा। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी विद पाव। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल लिया एंड उसे गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जीरा ऐड किया, 1/4 टेबलस्पून हींग ऐड किया और इसे 1 मिनट के लिए चलाया। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर ऐड किया, तो मैंने यहाँ 1/2 इंच का जिंजर लिया और उसे कट कर लिया। एंड उसके साथ ही मैंने 3 to 4 चिलीज ली हैं जिन्हें कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। तो 2 मिनट तक इसे चलाने के बाद मैं इसमें टमाटोज़ ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम टमाटोज़ लिए हैं। तो इसे ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। टोमेटोज कुक हो गए हैं, अब उसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है एंड उसके साथ ही मैंने यहाँ 1/2 टेबलस्पून ड्राइड मैंगो पाउडर ऐड किया एंड 1/2 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड किया। इसके साथ ही मैंने यहाँ गरम मसाला ऐड किया 1/2 टेबलस्पून एंड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एंड में मैं इसमें सोल्ट ऐड करूँगी। तो सोल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। एंड इन सबको अच्छे से पकाने के लिए मसाला मिक्स हो जाए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा वाटर ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से मिक्स किया एंड फ्लेम को स्लो कर दिया ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कप कैप्सिकम लिया। कैप्सिकम ऐड करने के बाद इसे 4 to 5 मिनट तक मैंने कुक किया। इसे मैंने पूरी तरह से नहीं पकाया क्योंकि मुझे कैप्सिकम क्रंची ही पसंद है। तो 4 to 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसे कुक किया एंड उसके बाद मैंने इसमें क्रश्ड पनीर ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ 300 ग्राम्स पनीर लिया है जिसे क्रश कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद इसे अच्छे से कुक करना है 5 to 6 मिनट्स तक एंड उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो पनीर भुर्जी रेडी करने के बाद अब मैं पाव रेडी करूँगी। तो ये पनीर भुर्जी रेडी हो गई है, इसे साइड में रख दीजिए एंड इसके बाद हम पाव रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 पाव लिए हैं, उन्हें मैं बीच से कट कर रही हूँ एंड इसके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी। तो यहाँ मैं वाइट बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर ऊपर से भी सॉल्ट ऐड करना है। तो येलो बटर ऑलरेडी बटर मतलब सॉल्टी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ वाइट बटर ऐड किया है। तो इस बटर को ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से एक साइड से सेक लूँगी। मैं इसे सेकंड साइड में स्लिट किया और अब मैं इसके ऊपर हल्का सा सोल्ट एंड रेड चिली ऐड करूँगी इसको टेस्ट देने के लिए। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने थोड़ा लाइट टेस्ट दिया तो मैंने सिर्फ सोल्ट एंड रेड चिली ऐड किया है। तो ये पाव रेडी हो गया है और आप इसे इंजॉय करना, पनीर भुर्जी और पाव ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय गाइस, हैव अ गुड।